नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फूड ब्लॉग के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गर्मी इस समय अपना चरम रूप दिखा रही है और खासकर अगर जम्मू की बात की जाए तो आज पारा जो है 45 डिग्री है और ऐसे में लोगों के बीच में इस गर्मी को लेकर जहां हाहाकार भी मची है, वहीं इस गर्मी को जो है काटने के लिए लोग आइसक्रीम या ठंडे पदार्थ का सहारा लेते हैं। तो इस गर्मी के मौसम को काटने के लिए अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो दयाल हाउस आइसक्रीम पार्लर आपके लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी आइसक्रीम फ्लेवर्स मिलेंगे। तो चलिए आइए अंदर आपको दिखाते हैं। मैं इस समय हूँ दयाल हाउस में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गर्मी को काटने के लिए आई थिंक आइसक्रीम खाना एक रामबाण जो है एक तरीका है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास मिलता है और लोग ज़्यादातर किस आइसक्रीम को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कि क्या कुछ आइसक्रीम में फ्लेवर्स यहाँ पर आपको खाने में मिलेंगे। आपका नाम? अमित खजूरिया। कितना टाइम हो गया यहाँ पर ये आइसक्रीम पार्लर को लगे? ज़्यादा टाइम हो गया, कोई 15 साल हो गया, ज़्यादा ही होगा। तो मैंने सुना है आपके पास फ्लेवर्स की कमी नहीं है और लोग जो हैं बड़े शौक से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स खाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं? दयाल स्पेशल, पंजाबी स्पेशल, मैंगो आया हमारा नया नेचुरल है, और कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट, काफ़ी सारे फ्लेवर, मतलब चॉकलेट ब्राउनी, ब्लैक करंट आता है। अब इतने सारे हैं कैसे बताऊँ, कोई भी खाइए आप, सारे अच्छे हैं। यहाँ का जो बकेट आइसक्रीम है वो बास्केट, काफी अच्छा है। क्या क्या कुछ खास रहता है फ्रूट बास्केट? आइसक्रीम रहती है, वफल्स की बास्केट बनती है, उसमें आइसक्रीम होती है, उसके ऊपर टॉपिंग फ्रूट्स और फ्रूट सिरप्स की रहती है। अगर प्लेट रेट की बात की जाए? हाँ, स्मॉल लार्ज होता है उसमें। स्मॉल जो प्लेन है 90 की है, स्पेशल लार्ज वाली 155 की है। स्मॉल में एक स्कूप रहता है, लार्ज में 3 स्कूप, वो आपकी मर्जी है स्मॉल का या लार्ज। अगर आप दयाल हाउस आइसक्रीम पार्लर में आए हैं तो यहाँ पर आकर फ्रूट बास्केट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको लार्ज और जो स्मॉल क्वांटिटी दोनों मिल जाएंगी। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप लार्ज खाना चाहते हैं या स्मॉल क्वांटिटी लेना चाहते हैं, जिसमें आपको आइसक्रीम के 3 फ्लेवर भी मिलेंगे, फ्रूट भी मिलेगा, ऊपर बहुत सारा हनी और जो है ड्राई फ्रूट डाला हुआ, और आप बास्केट जो है खाने के बाद फेंक नहीं सकेंगे, आप उसको खाएंगे। तो जानते हैं कि और क्या क्या, कितने आइसक्रीम के जो है यहाँ पर और फ्रूट्स या फ्लेवर आपको यहाँ पर मिलते हैं, कितने फ्लेवर्स हैं? हमारे काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं वैसे तो, मतलब अब इतना ध्यान नहीं, पर काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं हमारे। हर सीज़न नए फ्लेवर आते रहते हैं हमारे, कस्टमर को नया खाना पसंद है। संडेज आते हैं हमारा, गिला संडे आता है, फिर कुल्फीज़ हैं, काफ़ी सारी वराइटीज़ हमारी, अंजीर खजूर कुल्फ़ी है, केसर इलायची है, नई हमने अभी बनाई रसमलाई कुल्फ़ी, और अपना पान कुल्फ़ी, मतलब कुल्फी की भी काफ़ी वरायटी, मटका कुल्फ़ी आती है हमारी मिट्टी के मटके में, और हमारे पास आता है आइसक्रीम केक आते हैं, और हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम है। शेक भी स्टार्ट किए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। शेक्स किए, ये रहे शेक्स, ये रहे शेक्स में आ जाएंगे आपके स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट किटकैट, चोको मोका, मैंगो। मैंगो इस टाइम सीजन है और मैंगो काफ़ी अच्छा चल रहा है और कस्टमर पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पर जो है हर एज ग्रुप जो है आपके पास आता है, तो लोगों की ज़्यादा डिमांड कौन सी आइसक्रीम को लेकर होती है? चॉकलेट ब्राउनी, दयाल स्पेशल, पंजाबी स्पेशल, फ्रेश फ्रूट और मैंगो। तो हर साल जैसे आपने कहा कि जो टेस्ट है उनमें इजाफा किया जाता है, तो इस साल क्या इजाफा किया? इस साल हमने मैंगो ही लाया नया फ्लेवर। तो अगर आप दयाल हाउस आइसक्रीम पार्लर में आए हैं तो इस साल जो एडिशन हुई है वो मैंगो आइसक्रीम की हुई है, तो आइएगा जरूर और यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम का स्वाद जरूर लीजिएगा। मैंगो पल्प के साथ है वो, और वो नेचुरल है, जहाँ पर कोई फ्लेवर ऐड नहीं, मैंगो पल्प के साथ एकदम आपको मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम मिलेगी, आप टेस्ट कर सकते हैं, करना हो देख। और कप्स में या कोन में? कप या कोन वो आपकी मर्जी है, कोन्स रहते हैं हमारे पास, वफल कोन्स होते हैं, प्लेन कोन होते हैं, कप्स होते हैं, वो आप कस्टमर पे डिपेंड करता है उसने किस में लेनी है। आप वफल कोन लोगे तो उसके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। जैसे आपने कहा कि हर साल जो है एक एडिशन आप लेकर आते हैं, और आइसक्रीम की बात की जाए तो जम्मू में अगर कुछ पार्लर ही ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी बढ़िया किस्म की आइसक्रीम मिलती है, रेट्स की अगर बात की जाए तो क्या रेट जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है लोगों के? हम स्कूप के हिसाब से देते हैं, आपको एक स्कूप चाहिए आप एक का पे करें, आपको 3 चाहिए आप 3 करें, 2 चाहिए 2 करें, मतलब 20 रुपये स्कूप है हमारा, 25 है 30 है 35 40 और 50 रुपये स्कूप। आपको अब कई बार होता है आपको 3 या 2 स्कूप नहीं खाने होते हैं, तो आप क्यों इतने पैसे देंगे, आप 1 स्कूप खाना तो 1 स्कूप खाओ, बच्चे हैं ज़्यादा नहीं खा सकते, 1 स्कूप लेके दे दो। अब वो आप पे डिपेंड करता है 20 वाला लेंगे या 35 वाला लेंगे। तो कभी ऐसा हुआ किसी कस्टमर ने आपसे डिमांड की हो कि ये आइसक्रीम आपके पास है और आपके पास ना हो? हाँ हो, तो वो होता है, शाम के टाइम हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, वो हो जाता है। जिस तरह
से यहाँ पर रश लगातार बना रहता है, तो जैसे लोग जो है वो अमूमन तौर पर यहाँ पर, और वैसे भी गर्मी का सीज़न है, तो लोग यहाँ पर अमूमन तौर पर गर्मी के सीज़न को इंजॉय करने के लिए, गर्मी से अपने आप को राहत पाने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। और रश के हिसाब से अगर बात की जाए तो कई बार जो है स्टॉक आइसक्रीम का ख़त्म हो जाता है और लोगों के हाथ निराशा ही हाथ लगती है। तो इस गर्मी के मौसम में आप अगर आइसक्रीम इंजॉय करना चाहते हैं तो गांधीनगर के दयाल हाउस आइसक्रीम पार्लर में आकर आप अपनी मन पसंदीदा जो है वो आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्लेवर मिलेंगे। अगर बात की जाए ब्राउनी की तो ब्राउनी यहाँ की स्पेशल है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है फ्रूट बास्केट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मटका आइसक्रीम लोग खाना पसंद करते हैं और इस गर्मी में खुद को राहत दिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं और आइसक्रीम का मज़ा भी लेते हैं। आइसक्रीम खाने आई ब्राउनी है आइसक्रीम पहले भी आई हैं? फर्स्ट टाइम। किसने बताया आपको? लोकल्स। हाँ जी। पहली बार ट्राई कर रही हैं तो क्या खाना पसंद कर रही हैं? ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो जैसे बच्चों की पहली पसंद होती है ब्राउनी, और अगर ब्राउनी यहाँ की दयाल हाउस की हो तो मज़ेदार ही होगी। आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में गांधीनगर दयाल हाउस आइसक्रीम पार्लर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ पर आपको बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जैसे कि बबलगम आइसक्रीम, पंजाबी तड़का, टूटी फ्रूटी। आइसक्रीम्स के अगर नाम लेने लगूं तो शायद मेरे लिए वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे आपको देना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आइए, अपनी मन पसंदीदा आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। और अगर आपने यहाँ की आइसक्रीम को खाया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक नए फूड ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। इंजॉय कीजिए इस गर्मी में, अपने आप को हाइड्रेट रखें और इस चिलचिलाती गर्मी में कोशिश करें कि बाहर जो है कम निकले और ठंडे पदार्थों और पेय पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए फूड ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।